ठीक है। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए और जब हम लोग डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह व्लॉग में। तो अब हो गए हैं जी सभी लोग तैयार, आप सीधा चलते हैं डॉक्टर के यहाँ। कुछ नहीं छूटा है। तो फैली जी जिया को दिखा दिया यहाँ डॉक्टर के पास, और यहाँ पर जो भी रोल था, जो भी डिलीवरी का था, वो सब कुछ हमने देख लिया। ऑपरेशन थिएटर सर, वो सब कुछ सही है। अब चलते हैं, देखते हैं कभी हमारा हो और कब हमारा अगला बुलावा हो यहाँ पर। डॉक्टर से तो हमने दिखवा लिया जी, और डॉक्टर ने क्या कहा वो आपको बताएंगे, आप लोग वीडियो से बने रहिएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं दुकान, तो दुकान से पापा के लिए कुछ चप्पल लेना था, तो जाते हैं। वो चप्पल यहाँ पसंद आ जाती है यही ले लेंगे, नहीं तो ऑनलाइन ले लेंगे। ये वाला हमको सही लग रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा है। ब्लैक कलर भी है, डैडी का कोट पहनने के लिए ब्लैक है, और ये वाला डैडी पहनने के लिए हमको बता दें। अच्छा तो लग रहा है हमको, आप तो कुछ कुछ उठाते यही वाला बेस्ट है, यही वाला लीजिए। ये वाला 6 नंबर में, लेकिन इसका बड़ा साइज चाहिए। पूछते हैं तो सेम चप्पल यहाँ पे लगता है, तुम यहीं से लेकर के गए थे। जिया दिख रही है सारी बेबी के चप्पल जो थे, तो सर ये समझ आने वाला है, पहले से ही देख लेते हैं कौन सा सही रहेगा। है प्यारा तो सारा है, आगे पता चलेगा कितना प्यारा है। कुछ समय रुक जाओ, देख लो आपको क्या लगता है कि हम सब खरीदेंगे। हमारी शॉपिंग हो गई है ना, जूता भी देख लेते, ये सब अच्छा लगता है। इतने सारे जूते हैं फिर भी मन नहीं भरता, आप लड़की से कम नहीं देखने में क्या जाता है, ले थोड़े रहे बड़ा। फाइनली जी हम पहुंच गए घर, जिया वहां पर खाना खा रही है, हम तो खाना अपना खा चुके हैं, और यहाँ रहा पापा का चप्पल। तो पापा भी कोर्ट से आ गए हैं, तो उनको जा करके दिखाते हैं, उनको पसंद आएगी नहीं देखते हैं। यह करिए कि उनको बताइएगा कि मेरी पसंद का है, तुम्हारी पसंद का है, मेरा पसंद है। चप्पल तो सुंदर है, लेकिन इतना पैसा में 2 से 3 जोड़ा चप्पल है। अच्छा, लेकिन भूटानी कम नहीं है। हमारा बेटा जो है तो आज कमाने चला है, हम तो बहुत पहले से कहना, शायद अभी मेरे बराबरी नहीं पहुँचा है। अच्छा, तभी हम 1000 के अंदर चप्पल पहने हैं, कोशिश करते हैं 500 के अंदर रहे। मैं अपने बच्चों की बात नहीं कर रही, मेरे सारे बच्चों में ये हकीकत है, तो उनको अपने हैसियत का ध्यान नहीं करते हैं कि जैसा मनी लोग को आप दिए हैं प्रभु, सब बच्चे का पूरा कीजिए और आगे बढ़े। माँ बाप देख के खुश होते हैं, बिगड़ना तो मेरा काम। अच्छा तो यहाँ थी जी हमारी माँ, तो थोड़ी सी गुस्सा हो गई, इतना महंगा क्यों चप्पल लेते आए। भले गैजेटेड ऑफिसर के पद से भी रिटायर हुई हैं, लेकिन हमेशा उनका पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन सब कुछ हमेशा सिंपल ही रहा, और उनसे हम कोशिश करते हैं कि उनसे कई चीज सीखे। लेकिन होता है ना जी कि पापा के लिए कोई सामान लिए हैं तो कोई अच्छा ही सामान देख करके लिए, तो वही ले लिया जी हमने। Tomorrow. हम लोग आ गए हैं जी टहल करके नीचे, और अब जल्दी से अपना चेहरा धो लेते हैं। पर भी एलोवेरा का जेल लगा हुआ है, तो अच्छा खासा देर अब रह भी चुका है, तब इसको जा करके हम धो लेते हैं। और अब जी लग गई है भूख, बिल्कुल हमको भोरी भोर भूख लगती है, तो जा करके सीधा पीते हैं सत्तू, और कुछ फल होगा तो फल खाते हैं। हम चल रहे हैं जी पास के दुकान, वहाँ से कुछ सामान लाना है, तो सामान कुछ वहाँ से उठा लेते हैं। हाँ, एक पैकेट जो आता है, पिछली बार दो ले गए थे, अच्छा था। और कुछ चीनी चाहिए किलो, कितना वो ले लिया जी सारा सामान। आप सीधा चलते हैं घर, मौसम बड़ा मस्त है, लगता है कल रात भी बारिश हुई है, छत गए थे तो उस समय छत भी थोड़ा सा भींगा हुआ लग रहा था, और यहाँ रोड भी लग रहा है भींगा हुआ। आज सोच रहे हैं कि सुबह सुबह ही नहा लिया जाए, वरना आजकल नहाने में थोड़ा लेट हो जाता है, 12 बज जाता है, 2 बज जाता है। सबसे पहले नहाएंगे, उसके बाद ही कोई काम करेंगे, मूड भी फ्रेश लगता है, फिर काम करने में भी मजा आता है जब आपका दिमाग फ्रेश रहता है। यहाँ पर जी सब्जी बनने की चल रही है तैयारी, आज लगता है शायद कुछ खास बनने वाला है। उधर से करेला बना है, देखिए मिर्ची है, यही है ये मिर्ची को डंठल को साफ करके रखा जाता है ना, तो मिर्ची तुमको सड़ेगा नहीं। मोटा मिर्ची कहाँ से आया ये? इधर ही लाया है, मेरी बहन बताई थी हमको, मन्ना जो लखनऊ में रहती है, नैन्सी की मम्मी, डंठल तोड़ करके उसको फ्रिज में रखो तो मिर्ची खराब नहीं होगा एक एक महीने। चंडीगढ़ में जब रहते थे वहाँ मंडी में ऐसे ही रखता था ना लोग तोड़ के, शुगर पेशेंट है इसलिए हम हमेशा बैलेंस में रखते हैं, फिर भी मन ही है ऊपर वाला दया करेंगे। और यहाँ बना रहे हैं जी बनाना शेक, तो चलिए जल्दी से जाकर के बना लेते हैं। तुम्हारे लिए बनाना शेक ना।
तो माँ कभी बनाना शेक पीती नहीं है जी, तो आज सोचा ट्राई किया जाए कि माँ पी ले, लेकिन ये नहीं पी रही है। ट्राई नहीं किया जा रहा था डांट सुनने का, मन कर रहा था आपको नहीं। जाके चप्पल बदल के लाओ। लाते हैं अभी, मार्केट नहीं खुलागा, 9 बजे 10 बजे जाएंगे। भाई साहब अभी बैठना था काम पर, लेकिन सीट दर्द कर रहा है बहुत तेज। जिया को लग रहा है नाटक कर रहा है कि मार्केट नहीं जाना पड़े। नाटक कर ही रहा है, जैसे इनको कोई काम कहिएगा ये बोलेगा माथा दर्द कर रहा है, और कुछ नहीं होता है, माथा दर्द होता है। अभी सही में कर रहा है। देखिए जब ऐसे करे तो समझे एकदम सच बात। अब कैसे विश्वास दिलाए कि सच में दर्द है, कैसे विश्वास दिलाए बताओ। जब दर्द होता है इनके शक्ल पे खुद ही दिख जाता है, इनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब ये झूठ बोल जाए तो पकड़े जाते हैं। चलो यार झूठ का खुद से खुश यार। आप लोग बताइए मेरे चेहरे पर लग रहा है ना सिर दर्द? नहीं लग रहा। नहीं लग रहा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छे से। और दिक्कत क्या है जी, जब भी सुबह उठते हैं थोड़ा टहलते हैं, कम से कम आधे घंटे की नींद जरूर लेते हैं, उसके बाद मूड हो जाता है फ्रेश एकदम। लेकिन आज जो है कुछ सोया नहीं, सोचा कि चलो आज इस रूटीन को चेंज करते हैं, बेकार आदत है सुबह में थोड़ा देर सोना। लेकिन जो नहीं सोए तो लग रहा है वही असर कर गया है। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये सोने का नाटक कर रहे हैं ताकि वो चेंज से लोग सोने के, कुछ देर सोएंगे दिमाग फ्रेश हो जाएगा कुछ देर। बस सोने वही है, सर दर्द नहीं है, मतलब सोने की है। हाँ तुम ही जानती है, तुम्हारा कमर दर्द होगा बोलेंगे नाटक कर रही है, देखना। कोई बात नहीं। और यहाँ हमारा खाना लग गया जी, जिया भी साथ में बैठ गई है खाने, और साथ में 2 मिठाई लेकर के भी बैठी हुई है, क्योंकि आज मैं भी मिठाई खाऊंगी। वैसे मिठाई का तो शौक रहता नहीं, कल शौक चढ़ रहा है, लेकिन अब शौक चढ़ने लग गया है। तो ऐसा ऐसा कुछ होता रहता है, कभी कुछ अच्छा लगे और कभी जो खराब लगे वही अच्छा। पहले भी बताए थे ना कि जो जो आपको पसंद है वो मुझे पसंद है। वाह बढ़िया है जी, आजकल आ रहा है। हाँ पहले नहीं था। और क्या किया हमने, हमारा जो मिठाई था उसको दही में डाल दिया है, खाएंगे एक बार, तुम भी ट्राई करके देखना। हमको चलना है जी मार्केट, मार्केट जा करके पापा का जो चप्पल है उसको एक्सचेंज करवाना है। कल जो हमने चप्पल लाया था वह एक साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो जा करके करवाते हैं एक्सचेंज। फिर जरूरत है अपने चश्मा की, तो मेरा चश्मा मिल नहीं रहा है और पत्नी महारानी ढूंढ कर देने रही है। जल्दी पहले क्या बोले थे हम आपको, बोले कि मेरा थोड़ा थंबनेल बना दीजिए तो पैसे लगेंगे। क्या हुआ तो आके फ्री में बना दिए तुमको, तो तुम भी फ्री में करो, चलिए ढूंढ के लाओ, जल्दी लाओ ढूंढ कर, समय हो रहा है जल्दी करो। और कुछ पैसे भी दे देना मालकिन। पैसे पूरे खत्म हो गए मेरे, पैसे खत्म हो गए पूरे, तो एटीएम दे दो कैश निकाल लेंगे। A few moments later. तो फाइनली जिया ने चुटकी बजाते हुए चश्मा को ढूंढ लिया। और ये चश्मा था उस कोने में, उधर कोने में तकिया के नीचे। देखिए कितना सेफ जगह रखे थे, देखो सेफ जगह तो रख देते, बस भूल जाते हैं कि रखेगा, इससे मिल नहीं पड़ता। तकिया पे चढ़ के कोई बैठ जाता या फिर सर रख देता, चश्मा चल जाता घूमने नानी घर। कंट्रोल अभी आए हुए हैं स्टोर यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए। यही सैंपल तो नहीं मिला लेकिन दूसरा मिल जाएगा, दूसरे डिजाइन में, कोई बात नहीं वही ले लेते हैं। दोबारा आने जाने से अच्छा है यही एक बार एक्सचेंज कर ले। जी चप्पल तो हो गया एक्सचेंज, अब सीधा चलते हैं घर। घर जाने से पहले तरबूज ले लेते हैं, तरबूज भी खत्म हो गया है और तरबूज खाने का तो घर में सभी को आदत पकड़ चुका है। तो फाइनली जी सारा सामान ले लिया है, चप्पल भी दे दिया है नीचे पापा को, पापा तभी सोए हुए पहन करके नहीं देखे। अच्छा ऊपर जी आ खड़ी है वहाँ पर, तो यहाँ पर तरबूज भी ले लिया है, तो चलते हैं ऊपर। हम तो सोचे अभी तरबूज काट लेते हैं लेकिन दीदी सब सो रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं कुछ देर बाद ही काटेंगे। इस बार तरबूज थोड़ा अलग तरह का, खोल के देखना अच्छा होता है। क्या लगा तरबूज के अलावा कुछ अलग चीज आ गया? तो जिया यहाँ पर रोटी बना रही है जी। और अब बात करते हैं आज के डॉक्टर के विजिट की, तो पहले जिया को दिखा दिया डॉक्टर से कल जो जिया की हालत थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, फिर हमने पूछा माँ से, लेकिन माँ ने कहा कि एक बार जाकर के वैसे भी तुम्हारा मन पूरा कम्प्लीट हो रहा है तो वैसे भी एक बार डॉक्टर को दिखा दो रूटीन चेकअप के लिए। तो हमने बोला ठीक है, तो हम लोग डॉक्टर के पास गए। और जब हम लोग डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, कोई भी फिक्र वाली बात नहीं है, आखिरी समय है, इस तरह का कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आता रहेगा, तो अब डरना नहीं है, ऐसे ही आते रहेगा अब, क्योंकि लास्ट टाइम है, अब नहीं आएगा तो कब आएगा। हमने बोला हाँ अब तो इंतजार है कि वो मेन वाला कब आएगा। इसके अलावा मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है कि वो पेन, जैसे कि सब माँ लोग से सुनते हैं कि बहुत ज्यादा पेन होता है, तो थोड़ा डर भी लग रहा है कैसे क्या होगा, मैंने समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एक्साइटेड भी हूँ कि फाइनली वो टाइम आ रहा है जिसका हम लोग कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। तो अब ऐसा करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। हाँ जी वीडियो को शेयर तो जरूर कर दें, एक शेयर से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।